हेलो फ्रेंड्स, नीलम फूड ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, इससे मुझे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आइए आज हम बनाते हैं शाही पनीर शाही स्टाइल में, जिसके लिए हमें कुछ सामग्री चाहिए। ये देखिए, ये सब है। फ्रेश पनीर है 250 ग्राम, 4 फ्रेश टमाटर हैं और मीडियम आकार की प्याज हैं, 8 कलियां लहसुन की हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और ये देगी मिर्च है 2 चम्मच। और ये खड़े मसाले हैं, दो तेज पत्ता है, 2 लौंग हैं, 2 दालचीनी है और 1 बड़ी इलायची है और 8-10 काली मिर्च हैं। और साथ में ही हमारे ये फ्रेश क्रीम है 2 चम्मच और शाही पनीर मसाला 8-10 हमने काजू कूट लिए हैं और ये सॉस और ये कुछ मसाले हैं पिसे हुए। आइए हम अपनी प्याज चॉप करते हैं, प्याज और टमाटर कि देखिए इस तरीके से हम इसे रफली चॉप कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने टमाटर प्याज चॉप कर लिए हैं और अब लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है। देखिए, आप फ्रेंड बाज़ार से लाया हुआ भी यूज कर सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने अब गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है और इसे हम गर्म होने देंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे और इसमें हम प्याज डाल देंगे अपने। वैसे फ्रेंड ज़्यादा नहीं गुलाबी करना, इसका बस हल्का सा कच्चापन ही दूर करना है हमें प्याज का। इसमें इसे ज़्यादा नहीं पकाते और इसे हम अब चलाएंगे अच्छी तरीके से। इस तरीके से सारी प्याज मिक्स करेंगे और इसमें हम खड़े मसाले डाल रहे हैं। ये 2 तेज पत्ता है, ये 2 दालचीनी है और ये 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 2 लौंग हैं और ये 8-10 काली मिर्च हैं साबुत। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैंने काजू पेस्ट, काजू जो कूटे थे वो डाल दिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट और ये टमाटर मिक्स कर दिए और साथ साथ नमक डाल दिया है। अब इसे हम ढक कर रख देंगे 2 मिनट के लिए, जब तक हमारे टमाटर गलेंगे। नमक से फ्रेंड्स टमाटर जल्दी गल जाते हैं, इसलिए डालते हैं साथ में ही। अब हम अपना पनीर कट करेंगे इसमें, जब तक हमारे टमाटर गल रहे हैं। ये देखिए, ट्रायंगल में ही काटने हैं, मोटे मोटे पतले नहीं कट करने। आप चाहें तो स्क्वायर शेप में काटें, मगर मोटे ही काटें। ठीक है, हमारे कट के रेडी हैं। अब हम अपना मसाला देखते हैं कि हमारा मसाला रेडी हुआ कि नहीं। ये टमाटर गल चुके हैं, ये हम दबा दबा के देख रहे हैं, निकल चुके हैं सारे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे, करीब 1 कप से थोड़ा सा कम। और इसे हम ढक देंगे, क्योंकि इसमें हमने पानी डाला है, इसे उबलने देंगे। ये उबल के रेडी होगा, फिर हम देखेंगे इसे दोबारा से। ये देखिए, ये मसाला हमारा पक चुका है अच्छी तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने प्याज ज़्यादा नहीं करी, ये कच्ची सी ही लग रही है, ऐसे ही करें। और इस गैस मैंने ऑफ कर दी है, अब इसे हम कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे और इसमें से जो हमने खड़े मसाले डाले थे वो निकाल लेंगे।
सावधानी से निकालें क्योंकि ग्रेवी को ये गर्म है। और फ्रेंड्स इसे ठंडा होने के बाद ही पीसें, गरम गरम ना पीसें। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। हमने सारे खड़े मसाले निकाल लिए हैं। ये हमारी ग्रेवी ठंडी हो चुकी है, अब हम इसको पीस लेंगे। अब इसका हम एकदम पतला पीसेंगे, एकदम महीन फाइन पेस्ट, क्योंकि हमें फाइन ग्रेवी चाहिए, दरदरी नहीं। इसीलिए फ्रेंड्स इसमें काजू नहीं पिस पाते, इसलिए हमने कूट कर डाले थे, कोई कोई साबुत रह जाता है। ये देखिए हमारी पिसकर रेडी है, ये आपको इसी तरीके से पीसनी है। अब इसे हम एक चलनी में ग्रेवी को छान लेंगे। स्मूथी ग्रेवी चाहिए हमें, एकदम क्रीमी क्रीमी। ये देखिए इस तरीके से, आपके पास अगर ये ना हो चलनी बड़ी वाली तो आप चाय वाली चलनी ले सकते हैं, या फिर आटे वाली। आटे वाली को धो करके उसमें कर सकते हैं। इस तरीके से हमें सारी ग्रेवी चाहिए, इसलिए हमने अच्छी तरीके से निकाल ली है। अब हमने फिर से कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है और इसे हम गर्म होने देंगे अच्छे तरीके से। और ये हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हमने एक चम्मच जीरा डाल दिया। इसे तड़कने देंगे थोड़ा सा और दो पिंच हींग डाल दी। हींग ऑप्शनल है फ्रेंड, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और ये देगी मिर्च है, थोड़ा सा कलर आ जाता है इससे, ये तीखी नहीं होती। और इसमें हमने अपनी ये ग्रेवी डाल दी है, ये देखिए कितनी स्मूथी है ये। इसमें फ्रेंड्स स्मूथी ही चाहिए, इसमें दरदरी बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि शाही तरीके से ही बनाया जाता है। अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसमें हम मसाले डालेंगे। ये जीरा है, दो चम्मच जीरा पाउडर। और ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर, इसमें छोटी छोटी चम्मच ही है फ्रेंड, देखिए ये डेढ़ चम्मच हल्दी धनिया पाउडर। और ये आधी चम्मच मिर्ची है। और ये हमारा पनीर मसाला। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये अच्छी तरह से मिक्स करें इसे इस तरीके से, और इसे दो मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। अब हम दो मिनट बाद देखते हैं कि हमारा ग्रेवी रेडी हुई या नहीं। देखिए हमारी ग्रेवी रेडी होने लगी। अब इसे हम चलाते हैं इसी तरीके से और हमारी ग्रेवी रेडी है। अब इसमें क्रीम डालते हैं, ये दो बड़ी चम्मच है घर की क्रीम है फ्रेश। इसे भी मिक्स कर लिया हमने, फ्रेश क्रीम को भी। अब इसमें हम सॉस डालेंगे, ये केचप है फ्रेंड्स, टमाटो केचप।
ये आधी बड़ी चम्मच ली है हमने। अगर आपको हल्का सा मीठा और पसंद हो तो डाल सकते हैं, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें सॉस को। देखिए फ्रेंड्स, क्रीम और सॉस डालने के बाद कलर चेंज हो चुका है। आप सॉस ना डालना चाहें तो इसमें हनी भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम पनीर मिक्स करेंगे। देखिए इसमें भीनी भीनी खुशबू आ रही है, कितनी अच्छी आ रही है और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। और इसे हम आधे मिनट के लिए ढककर रख देंगे, जिससे कि पनीर में फ्लेवर मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, अगर ये मेरी आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो बनाकर देखें और कमेंट में बताएं मुझे कैसी लगी। ये देखिए हमारा शाही पनीर बनके रेडी है। इसे आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, तंदूरी रोटी, नान, पूड़ी, चावल किसी के साथ भी खाएं, ये सबके साथ अच्छी लगती है। ये बच्चों को तो खासकर अच्छी लगती है क्योंकि ये स्वीट स्वीट होती है थोड़ी, बच्चे तीखा खाना कम पसंद करते हैं। अब इसमें हमने धनिया मिक्स कर लिया। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये देखिए ये बनकर रेडी है। मैंने इसके ऊपर क्रीम डाल दी है थोड़ी सी और हरी मिर्च लगा दी है। खाइए और बताइए मुझे कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी शाही पनीर। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।